अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मटन, ये है 2 kg। बेसिक से हम इसमें मसाले डालेंगे, 6 से 7 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची डाली हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है अदरक, 1 teaspoon मैंने इसमें डाली है रेड मिर्च और 1/2 teaspoon इसमें हल्दी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल सकते हैं, मैंने इसमें थोड़े से साबुत मसाले डाले हैं। इससे ना जो मटन की स्मेल सी आ रही होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर और मैंने इसमें डाला है 1 glass पानी का और 1/2 glass पानी का। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 2 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको मैंने इस तरह से दरमियान से काट के वो रख दिया है। जब हम इसे मतलब प्रेशर के बाद खोलेंगे तो ये इसका छिलका जो है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ना मैंने ढक्कन लगा दिया और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें प्याज डाले नहीं है। फिर दोबारा से मैंने इसको ढक्कन खोला और फिर इसमें प्याज डाले। जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम पुलाव बनाएंगे। अब हम बनाएंगे चिकन यखनी पुलाव, जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन। उसमें मैंने 2 प्याज छील के वो डाल दिए, थोड़े से लहसुन डाला है, ज़ीरा, दालचीनी, 4 से 5 मैंने इसमें लौंग डाले हैं, बड़ी इलायची डाली है, थोड़ी सी मैंने इसमें सौंफ डाली है और 1 tablespoon हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे और मैंने 1 इसमें तेज़पत्ता डाला है। इस तरह से जो पुलाव बनता है वो बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। 1 teaspoon मैंने इसमें नमक डाला है और 1 teaspoon हम इसमें ब्लैक मिर्च पाउडर डालेंगे। देख लीजिए इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और अब हमने चिकन जो है वो अलग कर लेना है, यखनी को हमने छान लेना है ताकि हमने जो इसमें साबुत मसाले डाले हैं वो निकल जाएं। क्योंकि घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये साबुत मसाले जो हैं वो चावलों में अच्छे नहीं लगते। मैंने चिकन यखनी पुलाव की कम्प्लीट रेसिपी जो है वो शूट की थी, लेकिन पता नहीं वो मुझसे क्लिप जो है वो डिलीट हो चुका है। चिकन यखनी पुलाव की जो रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मेन काम जो था वो था यखनी वाला, उसके बाद हमने सिंपल जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही हमने चावल बनाने हैं। जहाँ पे हम सिंपल पानी डाल रहे होते हैं वहाँ पे हमने वो यखनी वाला पानी डालना है। इस तरह से जो पुलाव है वो बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ मैंने बनाया है धनिया और पुदीने वाला रायता। धनिया और पुदीना की चटनी मैंने ऑलरेडी बना के फ्रीज़ की हुई है, जब भी ज़रूरत हो तो निकाल के दही में डालो, फौरी से बन जाता है। देख लीजिए बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव जो है बन चुका है। और मैंने बनाया था आड़ू वाला जूस, मैंने इसमें डाली है भर भर के चीनी क्योंकि ये मैंने नहीं पीना। थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक नमक डाला है जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।